यमुनानगर के गांव मंडेबरी में एक के बाद एक कुल 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 4 युवकों का तो परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 युवकों को अस्पताल में लाया गया तो पता चला कि इन लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब पीना है और अस्पताल में पहुंचने के बाद भी एक युवक की मौत हो गई है। 6 लोगों की मौत के बाद गाँव में मातम का माहौल तो है, लेकिन अब ग्रामीण इन सब की मौत के पीछे गाँव में बिकने वाली शराब बता रहे हैं और इस मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज दोपहर बाद में हमें एक गाबा हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जो प्रथम दृष्टिया शराब पीने की वजह से संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर टीम वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ पर कंसर्न डॉक्टर से भी बात हुई और परिजनों से भी बात हुई। मामले को हमने संदिग्ध मानते हुए परिजनों के जो एक इंजर्ड व्यक्ति था प्रिंस, उसके बयान पे हमने आईपीसी की धारा 302, 328, 120B और एक्साइज एक्ट की धारा 72(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में कुछ आरोपियों की पहचान हो गई है और कुछ व्यक्ति हमने हिरासत में लिए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अभी तक अहम तथ्य हमें जांच के दौरान हासिल हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है। देखिए, अभी तक जो हमें सूचना मिली थी उसके अनुसार एक व्यक्ति जिसकी अस्पताल में मृत्यु हुई है, साथ ही 2 इंजर्ड व्यक्ति हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इसके अलावा गाँव में कुछ और व्यक्तियों की जो 5 संख्या बताई जा रही है उनकी भी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, लेकिन इनका ना पुलिस को सूचना दी गई और ना ही पोस्टमार्टम करवाया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस क्योंकि संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है तो इस मामले के साथ जोड़ करके हम जांच कर रहे हैं। इसमें सर तो शराब की किसी कंपनी की थी या अवैध या दोनों कैसी? देखिए, हमने इस संबंध में काफ़ी जगह छापेमारी की है और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हासिल हुए हैं, लेकिन हम सारी डिटेल्स जो हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं और सबूतों को एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद में हम ठोस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।